दोस्तों ये है बजाज का NS125 है। अब देखें तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन, इसमें कार्बोरेटर नहीं है, यह FI मॉडल बनाया गया है। फ्यूल इंजेक्शन E20 की गाड़ियाँ हैं इसमें, E20 मतलब कि एथेलोन वाला। यहाँ पे पल्सर लिखा हुआ आपको मिलेगा, यहाँ पे 125 देखने को मिलेगा स्टाइल में। यहाँ पे E20 टैंक जो कैप है, टैंक का कैप, इस पे E20 देखने को मिलेगा। इसका सीट मैं ओपन किया हूँ, यहाँ पे आपको बैटरी 5 LB का बैटरी देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिंगल शॉकर मिलेगा पीछे रियर में। यहाँ पे आपको एयर फिल्टर देखने को मिलेगा, ये हमारा फ्यूल टैंक है। यहाँ पे आपको कैनेस्टर मिलेगा जो टंकी का एयर वगैरह सब पास करता है। यहाँ पे आपको फ्लेशर देखने को मिलेगा, इंडिकेटर के लिए जो जलता है, ब्लिंक करता है फ्लेशर। यहाँ पे आपको 3 रिले देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा फ्यूज बॉक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा OBD2 गाड़ी है, तो OBD2 में हमारा इस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जो हमारा OBD कनेक्टर है रेड कलर में। OBD2 गाड़ियों में ऐसे देखने को मिलेगा बजाज की। और इसका लुक देखें तो काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको किक भी मिलेगा। यहाँ पे हमारा ऑयल फिल्टर देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारा सेल्फ मोटर है, और ये कम्बो ब्रेक सिस्टम है, जो रियर ब्रेक दबाएंगे तो फ्रंट का ब्रेक भी लगेगा। ये हमारा डिस्क का कैलिपर है आगे का, फ्रंट का। आगे का कुछ फंक्शन देख सकते हैं, ये हमारा डिस्क मास्टर सिलेंडर है। आगे का लुक आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये हमारा फ्रंट का डिस्क ब्रेक कैलिपर है, ये हमारा इसका डिस्क का प्लेट है, जो कि आप देखें तो 3.6 mm का है ये डिस्क प्लेट। टायर की बात करें तो MRF कंपनी का कंपनी टायर दिया है, ये ट्यूबलेस है। आगे आप देखें, सामने तो कुछ इस प्रकार से लुक है, सामने आपको दिखेगा हॉर्न। हमारा रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, और हमारा सेंसर वाला जो स्पीडोमीटर है वो देखने को मिल जाएगा। ये हमारा हॉर्न है यहाँ पे, ये हमारा साइलेंसर है जो कि इसमें ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे। इसका चेसी तो ज़बरदस्त है, पूरा मजबूती के साथ। यहाँ पर भी आपको 125 देखने को मिलेगा, मतलब स्टाइल में। यहाँ पे इंजन शो आपको देखने को मिलेगा आगे का फ्रंट में, आप कुछ इस प्रकार से काफ़ी मजबूत है देखें तो। मैग्नेट साइड ये हमारा है, जो हमारे गियर लीवर है आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये हमारा सीट है, डबल में कन्वर्ट किया हुआ है। ये हमारा सॉलि गार्ड है, सॉलि गार्ड मतलब पैर रखने वाला, जो औरत बैठती हैं तो काफ़ी, पहले नहीं आता था लेकिन अब आने लगा है, तो काफ़ी अच्छा है ये पैर रखने के लिए। और जो औरतें बैठती हैं यहाँ पे, काफ़ी मुश्किल होता है पैर रखने के लिए, तो काफ़ी आसान बना दिया है कंपनी ने, और काफ़ी मजबूत भी है। यहाँ पे ये एक चैनल दे दिया है, काफ़ी अच्छा है, जो हमारा व्हील है उसके अंदर कुछ फंसे उसे ना। ये हमारा साइड स्टैंड है, ये हमारा मैग्नेट है जो कि साइड स्टैंड शो करता है। यहाँ पे मैग्नेट, यहाँ पे साइड स्टैंड का सेंसर लगा हुआ है, इसके वायर। ये हमारा साइलेंसर है, आप देखे तो यहाँ पे। पीछे की टायर की बात करें तो ये भी MRF कंपनी का है, ये भी हमारा ट्यूबलेस है। पीछे का लुक आप देखें काफ़ी अच्छा है, ये हमारा रिफ्लेक्टर दिया हुआ है,
जो पीछे से कोई गाड़ी आए तो ये चमकेगा अपने आप लाइट से। ये हमारा नंबर प्लेट का लाइट है, पीछे का आप ये कैरियर देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत है, दो हिस्सा में है ये। इंडिकेटर का भी लुक देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, मीटर की बात करें तो मीटर आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा न्यूट्रल शो करेगा, यहाँ पे बैटरी लो इंडिकेट करेगा, ये हमारा इंजन लाइट है, मॉल फंक्शन लाइट जिसे बोलते हैं, ये हमारा बजाज का सिंबल है, बजाज कंपनी, ये हमारा आरपीएम मीटर है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेट करेगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फ्यूल बताएगा, यहाँ पे हमारा टाइम बताएगा, करंट टाइम हमारा कितना हो रहा है, यहाँ पे स्पीडोमीटर दिखाएगा किलोमीटर, और हमारा टोटल ओडो ओडीओ के नीचे दिखाएगा टोटल हमारा गाड़ी कितना चला है। एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाऊं, ये हमारा किल स्विच है, पेट्रोल नहीं है इसमें। तो बस कुछ इस प्रकार से आपको फंक्शन दिखाएगा मीटर का। यहाँ पे ट्रिप वन ट्रिप टू भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखें ट्रिप वन ट्रिप टू ओडो, ये आरपीएम लिमिट दिखाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हमारा कम्बो ब्रेक का पूरा सिस्टम है, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। ये साइलेंसर का जो पीछे का हिस्सा वाला मुंह है वो है साइलेंसर, मिला लिया लंबे हुआ। बस यही सब है, आगे जो भी है अपडेट देता रहूँगा। बस इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद जीरो बनाना है। ये जो कंपनी की तरफ से टूल मिलते हैं वो है, ये फर्स्ट एड है, मलहम पट्टी, ये हमारा रिंच है, इसके टूल यहाँ पे आपको आरआर यूनिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखें तो रेगुलेटर रेक्टिफायर जिसे बोलते हैं, ये हमारा कंडेंसर है आरआर यूनिट का, और ये हमारा आरआर यूनिट है। पैनल खोलने के बाद आपको सारा सिस्टम दिखेगा, वैसे मैं खोलने वाला नहीं हूँ, भविष्य में बताऊँगा खोलकर क्या क्या है क्या नहीं है। पैनल खोलने के लिए एक पेच यहाँ मिलेगा आपको, एक पेच यहाँ पे मिलेगा, बस दो ही पेच है।